सो फाइनली गाइस, आज हमें आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड हमें आज रिसीव हो चुकी है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं किस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे, और दिखाने वाले हैं कि इसमें आपको कौन सी डेबिट कार्ड मिलती है। गाइस, ये मुझे मतलब कि 10-15 दिन पहले ही मिल चुका था, लेकिन ये मेरे गाँव में था इसलिए आने में थोड़ा वक्त लगा। और गाइस, ये मुझे अकाउंट बनाने के मतलब कि कुछ दिन बाद मिल गया था, कम से कम 10 दिन मुझे लगे थे। और गाइस, आज ये मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ये मेरे गांव में था, आज मैंने बुलवाया है। तो गाइस, मतलब कि इसे आपके मतलब कि क्वेश्चंस रहते हैं कि आप मतलब कि आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने से पहले आपको डेबिट कार्ड मिलता है या फिर उसके बाद में मिलता है। तो गाइस, मैं एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये डेबिट कार्ड आपके मिनी केवाईसी मतलब कि आप विथाउट मतलब वीडियो केवाईसी के आप इसे मतलब अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई बोले तो मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके घर पर रिसीव हो जाता है, खुद मतलब कि 10 डेज के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो और प्लीज लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, कि इसमें हमें किस तरह से डेबिट कार्ड मिलता है। तो अभी हम इसकी टेप निकाल लेते हैं, 1 मिनट, ये 1 मिनट। गाइस, जो इस पे मतलब कि टेप था उसे मैंने रिमूव कर दिया है, अभी हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो वैसे अभी ठीक तरीके से खुल नहीं रहा है, फिर भी हमें इससे लगता है जबरदस्ती करनी होगी, तो इसलिए हम इससे जबरदस्ती ही कर लेते हैं, स्किप कर। तो वैसे अभी हम इसे यहाँ से फाड़ लेते हैं, यहाँ से स्किप कर लेते हैं, इसे रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से रिमूव किया, अभी हम इससे ओपन करते हैं। तो वैसे हमें अभी ये मिला है, अभी यहाँ पर गाइस आपका मतलब हमारा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, और अगर हम इसे इस तरह से खोलते हैं, 1 मिनट गाइस, तो यहाँ पर हमें एक मैनुअल दिया जाता है। ये बोल रहा है ऑल राउंड कार्ड कार्ड सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, इसे हम साइड में रखते हैं अभी। और अभी हम बात करते हैं ये क्या चीज़ है। ये गाइस मतलब कि अभी हमें थोड़ा मतलब कि हाइड करना होगा हमारे कार्ड की डिटेल्स वगैरह। यहाँ पर गाइस, इस पेपर पे आपको अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर कस्टमर का नाम आ गया है मतलब कि डियर लच्छू पवार, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह दी जाती है कस्टमर की, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर मतलब कॉल वगैरह कर सकते हो। तो चलिए हम और मतलब कि आप डेबिट कार्ड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये भी मिल जाता है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। जैसे आप देख सकते हो हमने इसे ओपन किया, यहाँ पर गाइस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। तो गाइस, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं कि आपको मतलब कि इसमें दिया जाता है कि आप किस तरह से लॉगिन वगैरह करोगे। तो अभी मैं पहले आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर मतलब कि आपकी सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बता देता है, और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का एक क्यूआर कोड होता है, और यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर शुरू में मतलब कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का मिनी अकाउंट बताएगा, और यहाँ पर देख सकते हो आप इस किस तरह से मतलब स्टार्ट कर सकते हो, लॉग इन टू आई मोबाइल, और उसके बाद में लॉग इन, इंटरनेट बैंकिंग कॉल और कस्टमर केयर फॉलो स्टेप दब मतलब कि IVR, मतलब कि कस्टमर केयर को अगर हम कॉल करते हैं तो उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर अगर लिमिट की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है करेंट डेली स्पेंड लिमिट्स ऑन योर कार्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ATM लिमिट 1 लाख रुपए पर डे आप निकाल सकते हो किसी भी मतलब ATM से, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन लिमिट, तो गाइस आप 3 लाख की मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह शायद कर सकते हो, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है पर डे यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे इंटरनेशनल पेमेंट मतलब कि आउट ऑफ कंट्री में भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोल रहा है ATM लिमिट 2 लाख पर डे, आप मतलब आउट ऑफ कंट्री में अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो 2 लाख का कर सकते हो, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी करते हो ATM से मतलब निकालते हो आउट ऑफ कंट्री में तो 2 लाख निकाल सकते हो। और अगर ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट भी 2 लाख पर डे है। और अभी हम बात करते हैं आप इसे किस तरह से एक्टिवेट करोगे, वो गाइस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि गाइस इसको अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको मतलब कि बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो कि हम थोड़ी देर से बात करेंगे इसके बारे में। तो गाइस इसे अभी हम साइड में रखते हैं, और गाइस ये एक आपको आपको ये पेपर मिल जाता है जिसमें कि आपको आईसीआईसीआई बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन जो जो फैसिलिटीज है वो आपको इसमें बताई जाती है। तो गाइस इसको तो कोई ज्यादा पढ़ता नहीं है इसलिए हम इसे साइड में रखते हैं। सो गाइस अभी आपको हम दिखा देते हैं हमारा आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट लुक में आपको यहाँ पर अपना आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट मतलब की जो QR कोड है वो आपको शो हो जाता है, और यहाँ पर आपका कार्ड नंबर वगैरह शो हो जाता है। तो चलिए अब हम इस SBI मतलब आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड को हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट गाइस।
सो गाइस ये एटीएम हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर ये सिल्वर कलर में होता है और गाइस मतलब कि बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, जिसमें कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई का लोगो बना हुआ है, जिससे कि आप मतलब कि मतलब सामने जो मतलब वीजा मशीन का जो QR आता है उसके सामने दिखाकर इसे आप मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो विदाउट पिन एंटर किए, है ना। और यहाँ पर देख सकते हो ये बोल रहा है वीजा प्लेटिनम कार्ड है, और यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, मतलब कि आप आउट ऑफ कंट्री में भी इससे पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए माइन अकाउंट का ये डेबिट कार्ड है, और अगर आप बैक साइड यहाँ पर आपका जो नाम आपने बैंक में एड किया था वो आपको यहाँ पर प्रिंट किया हुआ दिख जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप लच्छू पवार नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर बैक साइड की बात करें तो यहाँ से अगर आप ये QR कोड अगर स्कैन करते हो तो आप डायरेक्टली ICICI बैंक के डेबिट कार्ड को ओपन कर सकते हो, मतलब कि एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। और अगर इसकी बात करें तो गाइस ये आपको जो मतलब आपका ICICI बैंक का जो मोबाइल ऐप होता है उसका मतलब कि जो आप डेबिट कार्ड पिन जनरेट करते हो ना उसमें आपको ये काम आता है, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस आप नेक्स्ट वीडियो में आप जल्दी ही लाने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे आपको अपनी एक्सपायरी डेट वगैरह मिल जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी गाइस देखिए यहाँ पर आपको अपनी CVV वगैरह दिख जाती है। तो गाइस अब बात रहती है कि आप इसे एक्टिवेट कैसे करोगे, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस कई गाइस के मतलब कि कई दोस्तों के मतलब क्वेश्चंस थे कि यार भाई हमारा डेबिट कार्ड अभी तक आया नहीं, तो गाइस अब टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों बाद आ जाएगा मेरा डेबिट कार्ड। मुझे करीबन 8 से 10 दिनों में मुझे रिसीव हो चुका था, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी गाइस, मैंने ब्लू डार्ट में कॉल किया था, मतलब कि ब्लू डार्ट आपको जब आपका डेबिट कार्ड निकलता है तो आपको ब्लू डार्ट की ओर से एक मैसेज आता है कि आपका डेबिट 18 मतलब ICICI बैंक से भी आता है और ब्लू डार्ट से भी आता है कि आपका कुरियर में एक प्रोडक्ट वगैरह मतलब डाक वगैरह जो भी है वो आया है। और ICICI बैंक से भी आपको मतलब मैसेज आ जाता है कि आपका ICICI बैंक का ATM डेबिट कार्ड आपको सेंड कर दिया गया है, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो। तो गाइस ट्रैकिंग वगैरह अगर आपको सीखनी है तो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि आप किस तरह से उसे ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने आपको ओनली मतलब कि डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग बताई है। तो गाइस आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जल्दी मतलब 10 दिन के अंदर अंदर ये आ जाता है। मैंने इसलिए टाइम कर दिया इस वीडियो को बनाने में क्योंकि गाइस मैं थोड़ा बाहर काम करता हूँ और ये मेरे गांव में आया था, इसलिए गाइस क्योंकि गांव में मतलब इनकी सर्विस एक्टिव नहीं थी तो मैं मतलब दूसरी जगह से शहर से मैंने इसे मतलब रिसीव किया था। तो गाइस आशा करता हूँ यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी ही इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग वगैरह और बैंक के अकाउंट वगैरह ओपनिंग के बारे में और टेक्निकल न्यूज़ के बारे में बताता रहता है, और जैसे कि अर्निंग रिलेटेड वगैरह। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और गाइस अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह अगर मतलब देखना चाहते हो तो इसकी एक मैं फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ यार वीडियो तो पसंद आई ही होगी, और यहाँ पर गाइस मैं आपको जो भी है मतलब कि डेबिट कार्ड को किस तरह से एक्टिव करना है यहाँ पर जो डिटेल्स है मैं आपको मतलब अगली वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपको एक्टिव वगैरह करना है, आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए, है ना। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।